नमस्कार दोस्तों, जय माता की। देखिए, अभी हमने करवा चौथ किया। अब इसके बाद जैसे ही कार्तिक मास शुरू होता है, हमारे सारे त्यौहार शुरू हो जाते हैं। और इस बार अब हमारे यहाँ अघोई अष्टमी मनाई जाती है। अघोई अष्टमी का मतलब ये होता है कि हम संतान के लिए रखते हैं उसे। संतान के लिए ही केवल नहीं, वो आपके कष्टों को हरने के लिए भी होती है। आपके शारीरिक कष्टों को दूर करेगी और आपके जितनी भी परेशानियां उनको हरेगी। आपको मनोकामना सिद्ध करने वाला व्रत भी है ये। और जो स्त्रियां पहले शादी से पहले भी रख लेती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप बाद में रखते हैं शादी के बाद, तो आपको संतान से संबंधित कोई भी परेशानी हो, शरीर से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, रोगों से संबंधित हो, वो सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाती हैं। तो आप अगर इसको अघोई अष्टमी का व्रत रखते हैं, इसे अघोई अष्टमी भी कहते हैं कुछ लोग, तो आप इसका बहुत अच्छे से जो है व्रत रखिए। और आपको पता है ब्रज क्षेत्र में जहाँ पर जाकर के परिक्रमा मार्ग गोवर्धन में जाकर इसकी राधा कुंड में स्नान भी होता है, उस समय जाकर के पति पत्नी दोनों स्नान करने की परंपरा है, तो उसे संतान संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। वो आपकी अलग इच्छा है कि आपको पुत्र रत्न चाहिए या कन्या रत्न चाहिए, ये आप दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। और आपकी जिस चीज की भी इच्छा हो, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे भी पहले संतान नहीं थी, तो मैंने भी अपनी शादी की 6 साल बाद मुझे पुत्र प्राप्त हुआ, जो मैंने कि ये व्रत किया था। मेरे पास नहीं होने से पहले ही मैंने ये व्रत कर लिया था। लोग संतान होने के बाद करते हैं। इसमें लोग गले में अहोई पहनते हैं, कुछ दाने होते हैं चांदी के गोल गोल, उनको पहनते हैं, सूरज चंदा पहनते हैं, बहुत सारी चीजें पहनते हैं, और माता पार्वती को भी और चंद्रमा को भी धारण करते हैं। तो माँ पार्वती की पूजन है एक्चुअली ये, गौरा मनारायणी का पूजन है ये। गौरा का एक मंदिर है कोकण नामक स्थान पर, ताम्रा देवी यानी गौरा नारायणी की वहाँ पर बहुत पूजा होती है, वहाँ से जो है उनको वर प्राप्त होता है, यानी कि मनोकामना पूर्ण होती है। इस तरह से इसी तरह आप अपने घर में उनको मना सकते हैं, और कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने घर में माँ गौरा नारायणी की पूजा करिए, आपके सर्व मंगल होंगे, आपको सभी चीजें मिलेंगी जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मनोकामना है, जो भी आप मन में रखते हैं उस दिन आप उनको मांग सकते हैं अघोई अष्टमी के दिन। वैसे इसमें ये कहानी आती है कि एक ननंद और भावच अपने पहले के मकान पक्के नहीं होते थे, तो ये पुरानी कहानी है, और पुरानी कहानियों को हम नए तरीके से कर लेते हैं। तो वो अपने लिए मिट्टी लेने गए थे, और उन्होंने वहाँ मिट्टी जैसे ही खोदनी शुरू की तो वहाँ पर जो है एक बच्चे थे सेई के, और उसमें से निकले, और 7 बच्चों की उसमें जो है मृत्यु हो गई, क्योंकि उसमें उनको फावड़ा लग गया। तो ऐसा करने से ननंद को उन्होंने श्राप दिया कि इनको कभी भी संतान नहीं होगी। तो उन्होंने उनकी भाभी ने कहा कि मेरे को ऐसा आप कर सकते, क्योंकि घर में मुझे सब ऐसे ही बुरा कहते हैं, अगर ऐसा हो गया मेरे कारण तो इनके जो है मुझे बुराई मिलेगी, आप मेरे लिए ऐसा कर दीजिए। तो उन्होंने उनका जो है श्राप था वो अपने ऊपर ले लिया, और आकर के उन्होंने इस अघोई अष्टमी वाले दिन उनको मनाया। और जैसे ही कार्तिक मास में अघोई का व्रत रखा, और उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि मेरे जो संतान है उन्हें आप जो है मुझे लौटा दीजिए। तो उनके 7 पुत्र थे, उस 7 पुत्र उन्होंने लौटा दिए, और इस तरह से उन्होंने प्राप्त किया। जैसे तो उन्हें मिला, ऐसा ही जो है हम करते हैं इसी भावना से, तो हमारे पास में संतान सुख तो होता ही, साथ में आरोग्य प्राप्त होता है, साथ में हमें सारी खुशियाँ मिलती है। अघोई अष्टमी से ही शुरुआत मानते हैं दीपावली की, क्योंकि आज के जो बाकी के 7 दिन बाद जो 8वें दिन ही हमारे यहाँ जो है दीपावली मनाई जाती है। तो दीपावली के बारे में मैं अगली जो है वीडियो में बताऊंगी आपको। तो ये जानकारी को आप जो है अच्छे से शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ज्ञान बांटिए, क्योंकि मैं वही लेकर आती हूँ जो कि मैंने अपने जीवन में अपनाया है। ये सारे कारगर उपाय जो हम अपने लिए कर चुके हैं, वही उपाय मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये सारे गारंटीड होते हैं। ऐसा करने से हजारों लोगों को संतान की प्राप्ति हुई है ये व्रत रखने से, तो आपको भी जरूर प्राप्त होगी। तो इसलिए आप इसे करते रहिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता, और आप इसे लाइक करते, इतना ज्यादा प्यार देते हैं मुझे, आप इसे एक अच्छा सा गुड कमेंट कर दीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, आपको अघोई अष्टमी की, दीपावली की, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।